हरे कृष्णा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जीतामित प्रभु जी की जय। आप सभी भक्तों का बाल गोपाल चैनल में स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, अर्जुन वाचा कथम भीष्म महां सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हर्वरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब हम इस श्लोक के शब्दों पर विचार करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क दे रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे कायरता तथा हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करें। अब अर्जुन सोच रहे हैं, उन्होंने प्रथम अध्याय में युद्ध न करने के पक्ष में जो बातें कही थी, उन सभी बातों को श्री कृष्ण ने कूड़ा करकट कहकर अस्वीकार कर दिया है। अब अर्जुन के दिमाग में यह विचार है कि वे श्री कृष्ण के समक्ष ऐसा तर्क प्रस्तुत करेंगे जिससे श्री कृष्ण भी निरुत्तर हो जाएं। ऐसा विचार कर अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ वे युद्ध करने के लिए तैयार हो भी जाएं, तो भी वे भीष्म और द्रोण के साथ कैसे युद्ध करेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाकयुद्ध भी ना किया जाए। इसका अर्थ है कि यदि गुरुजन किसी भी अनुचित बात पर भी अपने छोटों को डांटें या पीटें, तो भी छोटों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। अगर अर्जुन भीष्म और द्रोण के साथ वाणी से भी युद्ध नहीं कर सकते, तो फिर वे बाणों से कैसे युद्ध करेंगे। सामान्य शिष्टाचार के अनुसार भी व्यक्ति को समाज के पांच वर्गों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पहला स्त्री, दूसरा बालक, तीसरा वृद्ध, चौथा ब्राह्मण तथा पांचवा गाय। स्त्री को अबला कहा जाता है, वह पुरुष के आश्रित होती है। यदि कोई स्त्री अपराध भी करती है तो भी उसका वध नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उस प्रसिद्ध घटना की भी चर्चा की जा सकती है जिससे कैकेयी के दुष्ट व्यवहार के कारण श्री राम को वनवास और महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में भरत जी ने अपनी माता कैकेयी की बहुत निंदा की, परंतु उन्हें कोई शारीरिक दंड नहीं दिया। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब स्त्री हत्या करना आवश्यक होता है। विश्वामित्र मुनि तारका के विषय में श्री राम से कहते हैं, नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्गों के हित के लिए यदि स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो भी उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। समाज में बालकों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यदि कोई बालक अपराध भी करता है तो भी उसका वध नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में वर्णन है कि राजा अंग का पुत्र वेन अत्यंत दुष्ट था। वह बिना किसी अपराध के समवयस्क बालकों को खेलते ही खेलते मार डालता था। उसके इस आचरण के कारण उसके पिता अंग ने उसे कोई दंड ना देकर चुपचाप अपने राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में चले गए। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब बालकों की हत्या करना आवश्यक होता है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कर्ण के पुत्र वृषसेन ने श्री कृष्ण को और अर्जुन को अनेक बाणों से चोट पहुंचाई, तो उस समय अर्जुन के बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनकी बाहों में तीन बल पड़ा, उनकी आंखें लाल हो गईं। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन
और अश्वत्थामा आदि महारथियों से कहने लगे, आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, यदि तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। इस प्रकार अर्जुन ने वृषसेन का वध कर दिया। समाज में वृद्धों की अत्यंत आवश्यकता है। यदि वे किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं तो भी उनका वध नहीं किया जा सकता। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को मार डालने के लिए अनेक षड्यंत्र किए थे, परंतु फिर भी महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे जाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज उनका अत्यंत सम्मान करते थे। परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब वृद्धों की हत्या करना आवश्यक होता है। कौरवों के पक्ष से प्राग ज्योतिष के राजा भगदत्त इतना वृद्ध था कि उसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। भगदत्त ने क्रोध में भरकर अर्जुन के मस्तक पर कई बार मारे और उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। अर्जुन ने अपने मुकुट को सीधा करते हुए भगदत्त से कहा, राजन, तुम अब इस संसार को जी भर कर देख लो। इस प्रकार अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। समाज में ब्राह्मणों की अत्यंत आवश्यकता है। ब्राह्मण उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हों। ब्राह्मणों में शांति भाव की प्रधानता होती है। ब्राह्मणों की पूजा करने से व्यक्ति को आयु, कीर्ति, यश और बल की प्राप्ति होती है। यदि कोई ब्राह्मण अपराध भी करता है तो भी उसका वध नहीं किया जा सकता। परंतु कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब ब्राह्मणों की हत्या करना आवश्यक होता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण हथियार उठाकर क्षत्रियो की तरह युद्ध में आए और युद्ध से ना भागे तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों की हत्या करने से कोई पाप नहीं लगता। समाज में गायों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि गौवध ना किया जाए। क्योंकि गायों को माता माना जाता है तो गौवध कैसे कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब गौ हत्या करना आवश्यक होता है। श्रील प्रभुपाद भागवत के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय के 25वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि विरली परिस्थिति में जब अन्न ना हो तो सरकार गौ मांस खाने की अनुमति दे, किंतु जब पर्याप्त भोजन रहे तो सरकार को चाहिए कि केवल जीभ के स्वाद के लिए गौ मांस खाने की अनुमति ना दे। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती तो भोजन का नितांत अभाव रहे तो दूध ना देने वाली गायों को मार डालना चाहिए। आवश्यकता के नियम अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए। इस श्लोक के प्रथम पंक्ति के अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन तथा दूसरी पंक्ति के अंत में अरिसूदन कहा है। मधुसूदन का अर्थ है मधु का वध करने वाले तथा अरिसूदन का अर्थ है अपने शत्रु का वध करने वाला। अर्जुन ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन तथा अरिसूदन नामों से संबोधित करके यह कहने का प्रयास किया है कि हे कृष्ण, आपने तो मधु नामक अपने शत्रु का वध किया था। अपने वंश के अत्यंत सम्मानित तथा वरिष्ठ राजा मधु का नहीं, फिर आप मुझे अपने वंश के वयोवृद्ध तथा अत्यंत सम्मानित भीष्म तथा द्रोण का वध करने का आदेश क्यों दे रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।